रांची दौरे पर आए असदुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ओवैसी ने तबरेज के परिजनों को सहयोग और मदद का आश्वासन दिया। ओवैसी ने कहा कि केस में धारा 302 को फिर से शामिल करने के बाद अब इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, इस दौरान मॉब लिंचिंग चुनावी मुद्दा बन सकता है। AIMIM प्रमुख ओवैसी 2 दिनों के झारखंड के दौरे पर है। इसी दौरान रांची में उन्होंने तबरेज अंसारी के परिजनों से मुलाकात की है। तबरेज को 17 जून को सरायकेला खरसावा जिले में ग्रामीणों ने चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा था और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तबरेज अंसारी का मामला हाल में तब उछला था जब इस केस में पुलिस ने हत्या की धारा 302 हटा दी थी। तब रिपोर्ट में कहा गया था कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश कर इस मामले में IPC की धारा 302 के बजाय धारा 304 के तहत मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की थी। हालांकि जब यह खबर मीडिया में आई तो हंगामा शुरू हो गया। कई गैर सरकारी संगठनों ने झारखंड पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस केस में फिर से धारा 302 को जोड़ दिया है। वहीं तबरेज का परिवार इंसाफ की आस में प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर है। परिजनों ने तबरेज के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलने की सरकार से मांग भी की है।